फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो ना ओपन पोर्स के बारे में है। हम ना हमारे फेस से ओपन पोर्स को कैसे इंस्टेंटली गायब कर सकते हैं। ओपन पोर्स को ना कम करने के बाद ना हमारा स्किन ना बहुत ही ग्लोइंग लगने लगेगा फ्रेंड्स। और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं ओपन पोर्स को नेचुरली, यही आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज़ को और बेल आइकन को जरूर दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जितने भी सारे पोर्स रहते हैं ना हमारे स्किन में, ये बहुत ही जल्द आ जाता है फ्रेंड्स। अगर हम हमारे स्किन को केयर नहीं करते हैं, पैम्पर नहीं करते हैं, तभी भी ये हो सकता है। जो हमारे ओपन पोर्स रहता है ना, वो अगर हम मेकअप करते हैं ना, तभी भी ये विजिबल दिखता है फ्रेंड्स। और बहुत ही खराब लगता है ना ओपन पोर्स विजिबल होने से। और हाँ फ्रेंड्स, ओपन पोर्स विजिबल होने के बाद ना हमारे स्किन में जितने भी सारे डर्ट और पॉल्यूशन रहता है ना, वो बहुत ही जल्द ऑब्जर्व हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे ओपन पोर्स को ना जितना हो सके उतनी जल्दी ठीक कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हम धीरे धीरे करके जब दिखने लगता है तभी ही ठीक कर देते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देता है और परमानेंट रिजल्ट देता है। तो इसके लिए ना हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए ना फ्रेंड्स, हमें ये कॉफ़ी का पाउडर चाहिए फ्रेंड्स। कॉफ़ी ना हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहता है जो हमारे पॉलीफेनल्स को और हाइड्रोसिनेमिक एसिड को, ये हमारे कॉफ़ी में मौजूद रहता है जो हमारे इन्फ्लेमेशन को, नेस को, ब्रेकआउट्स को, ये सारे को कम करता है फ्रेंड्स। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, इम्प्रूव कराता है। हमारी स्किन में स्क्रब करेंगे ना, इसमें कैफीन होने के कारण ना ये हमारे स्किन को स्टिमुलेट करता है और इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को। और ये हमारे स्किन को ना यूथफुल एंड रेडिएंट बनाता है फ्रेंड्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी मौजूद रहता है जो हमारी स्किन को ना इंस्टेंटली ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही मदद करता है। रिंकल्स आने के चांसेस भी कम कर देता है फ्रेंड्स। हमारे स्किन में डेड स्किन सेल्स को भी हटाता है, पफिनेस को भी हटाता है फ्रेंड्स। अगर अच्छी तरह से मसाज करेंगे ना जेंटली, तब हमारे आई एरिया के पफिनेस भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये हमारे स्किन के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा और खास करके ओपन पोर्स को ना इंस्टेंटली मिटाएगा फ्रेंड्स ये। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 पैकेट लेना है फ्रेंड्स कॉफ़ी का, और इसे अच्छी तरह से एक क्लीन बाउल में निकाल देना है। और देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी कॉफ़ी का पाउडर लोगे ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जो कॉफ़ी का पाउडर है ना, वो माइल्ड होना चाहिए फ्रेंड्स। जितना माइल्ड हो सकता है ना, उतना हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ओपन पोर्स के लिए। तो सेकेंड इन्ग्रीडियंट है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ना आप सभी को तो पता ही होगा ना कितना इफेक्टिव रहता है हमारे स्किन के लिए। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहता है। ये हमारे स्किन के लिए ना ऑल स्किन प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही एक मैजिकल इंग्रेडिएंट की तरह काम करेगा। ओपन पोर्स को, एक्ने को, पिंपल्स को और रेडनेस को, ये सारे को हटाने के लिए और स्किन में एक सूदिंग सा इफेक्ट और ग्लोइंग लाने के लिए ना एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमें क्या करना है, इसका 2 टीस्पून लेना है फ्रेंड्स, और ये कॉफ़ी का पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पर 2 टीस्पून लिया है और अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमें तरह से मिक्स हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर माइल्ड वाला जो कॉफ़ी का पाउडर था ना वो लिया था। इसी पिन पोर से ना वहाँ पर हमें अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मिनट तक मसाज करना है फ्रेंड्स। अगर हम डेली ये मसाज करेंगे ना, तो हमारे स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगा। हमारे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है ना, वो जल्द ही इंस्टेंटली कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी के जैसे हो गया है ना, अभी हमें क्या करना है, हमारे स्किन पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके सर्कुलर मोशन में जेंटली मसाज करना है 1 मिनट तक। जब ये अच्छी तरह से मसाज हो जाएगा ना, तब की मदद के साथ वॉश कर सकते हैं फ्रेंड्स। ड्राई हो जाएगा, मतलब सेमी ड्राई हो जाएगा, तब हमें ठंडे पानी की मदद के साथ इसे वॉश कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, और आप सच में बिलीव नहीं करोगे जब तक आप यूज़ ना करो, ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है फ्रेंड्स सफल लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप इसे ट्राई करना, और एक इंस्टेंटली ग्लो लेके आ गया है स्किन में। तो स्किन बहुत ही ड्राई लगने लगेगा ना इसे यूज़ करने के बाद, तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज लगा सकते हो अप्लाई, सन एक्सपोज नहीं होना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे एट होम। बाय बाय।